दूसरी बार मोबाइल दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर दिया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर का फुटेज भी पुलिस ने बरामद। इस पूरे मामले में सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि नेशनल हाईवे से लगे मोहन मोबाइल और जनरल स्टोर में अज्ञात ने टीन शीट तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश कर महंगे मोबाइल पार कर लिए। आरोपी ने तो सबसे पहले दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को डिस्कनेक्ट करने के पहले उसमें एक चोर का चेहरा सामने में कैद हो गया है। इस बार चोरों ने नए व पुराने मिलाकर 60 नग मोबाइल फोन पार कर दिए हैं। चोरी हुए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुरानी भिलाई में जितेंद्र हतीजा एक मोहन जनरल स्टोर है, वहाँ चोर ने प्रवेश किया और कुछ मोबाइल चोरी करके ले गया है। घटना स्थल जाके देखने पे जानकारी हुई कि चोर ऊपर का टिन तोड़ के उसमें से प्रवेश किया है। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं जिस पर से जाँच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। कुछ लोग संदेहास्पद हैं, उनकी भी पतासाजी की जा रही है और बहुत जल्दी ऐसी संभावना है कि इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। घटना की जानकारी संचारक को तब हुई जब रविवार को अपनी दुकान खोलने के लिए सुबह जितेंद्र छतीजा का बड़ा भाई अमित छतीजा दुकान खोलने पहुंचा था। शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर जाने पर उसे चोरी होने की जानकारी हुई। चोरों ने टीन की शीट वाली छत को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन सहित गले में रखे 1000 से 1500 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी हुए मोबाइल फोन में से कुछ के पुराने होने की जानकारी संचारक ने दी है। सर, ये कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास घटना है। मेरे को मालूम तब पड़ी जब मैं दुकान में आया सुबह, जब शॉप जैसे खोलता हूँ रेगुलर जैसे, है ना, उसी टाइम मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी दुकान में चोरी हुई है। सर हमारे छत के ऊपर है सर, दुकान के ऊपर शेड है, वहाँ शेड तोड़ के नीचे आते सर उन लोग। क्या क्या ले गए चोरी? क्या क्या चोरी? हाँ, लगभग 40 से 50 हैंडसेट ले गए हैं और घड़ियाँ ले गए हैं शॉप से, और अपना स्मार्ट वॉच ले गए हैं, एसरीज ले गए हैं। लगभग 18 से 20 लाख का सामान ले गए हैं चोरी करके हम लोग। हाँ, ब्लाइदिन पुलिस थाने में शिकायत की हमने आज। क्या कहा है? उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग जल्द से जल्द पकड़ लेंगे चोरों को, उन्होंने बोला। हाँ, दिख रहा है फुटेज, हम लोगों को भी दे दिया थाने में सर। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बारीकी से जाँच कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शरद खरे की रिपोर्ट।